हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टूर गाइड में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की ऐसी प्लेस के बारे में बताऊंगी जहां की महिलाएं 80 साल की उम्र में भी बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल लगती है। अपने आप को यंग और ब्यूटीफुल कौन नहीं रखना चाहता है? हर कोई चाहता है कि मैं बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल लगूं। लेकिन उम्र के साथ साथ लोगों की जवानी और खूबसूरती दोनों ढलने लगती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में एक ऐसी प्लेस है जहाँ की महिलाएँ 80 साल की उम्र में भी 30 से 40 की लगती है। पाकिस्तान की ये महिलाएं दुनिया के सबसे खूबसूरत कही जाती है दोस्तों। एक और जहां यहां की औरतें बूढ़ी होने पर भी जवान दिखती है, तो वहीं यहां के पुरुष 90 साल की उम्र में भी पिता बन सकते हैं। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। मैं बात कर रही हूं हुंजा समुदाय के बारे में, जो उत्तरी पाकिस्तान की काराकोरम पहाड़ियों में स्थित हुंजा घाटी में रहते हैं। यहाँ के लोग 120 साल तक जिंदा रहते हैं। हुंजा समुदाय के लोगों को बुरशो भी कहते हैं। ये बुरुशास की भाषा बोलते हैं। कहा जाता है कि ये समुदाय सिकंदर महान की सेना के वंशज है, जो 4वीं सदी में भारत आए थे। हुंजा समुदाय के लोग पाकिस्तान के अन्य समुदाय के लोगों से कहीं ज्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं। हुंजा घाटी में इनकी संख्या 85,000 से भी ज्यादा है। ये समुदाय मुस्लिम धर्म को मानता है और इनकी सारी एक्टिविटीज भी मुस्लिमों जैसी ही होती है। हुंजा घाटी पाकिस्तान के बहुत ही फेमस स्थलों में से एक है। दुनिया भर से लोग यहाँ पहाड़ों की खूबसूरती देखने आते हैं। इस समुदाय के ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी है दोस्तों, जिसमें द हेल्दी हुंजांज और द लास्ट किंगडम ऑफ द हिमालयांज भी शामिल है। इस कम्युनिटी के लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोगों की जो जीवन शैली डेली रूटीन होता है, उनके लंबे जीवन का राज है। ये लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। यहाँ के लोग साइकिल और गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं और पैदल ज्यादा चलते हैं। यहाँ के लोग दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना खाते हैं। पहली बार दोपहर 12 बजे और दूसरी बार रात 8 से 9 बजे के करीब। इनका खाना भी पूरी तरीके से कुदरती होता है, बिल्कुल ओरिजिनल होता है। मतलब कि उनकी सब्जियाँ, दूध, फल, मक्खन आदि में किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। हुंजा समुदाय के लोग आमतौर पर जो बाजरा, कटू और गेहूँ का आटा ही खाते हैं, जो उन्हें शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने में काफ़ी मदद भी करता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग मांस का सेवन बहुत ही कम करते हैं। किसी खास ओकेशन पर ही यहाँ मांस बनता है, लेकिन उसमें भी ये लोग बहुत ही लिमिट में ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की हुंजा घाटी की जो महिलाएं हैं 80 साल की उम्र में भी कितनी यंग और ब्यूटीफुल लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। Thanks for watching video.